हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे वेजिटेबल्स के इंग्लिश नेम विथ हिंदी मीनिंग। तो पहला वेजिटेबल है परवल। परवल की सब्जी आप सभी ने खाए होंगे। परवल को इंग्लिश में पॉइंटेड गार्ड कहते हैं। अगला वेजिटेबल है पालक। पालक को इंग्लिश में स्पिनच कहते हैं। अगला वेजिटेबल है तोरी या तुरई की सब्जी। तुरई को इंग्लिश में रिज्ड गार्ड कहते हैं। अगला सब्जी है करेला। करेला को इंग्लिश में बीटर गार्ड कहते हैं। अगला है चुकंदर। चुकंदर को इंग्लिश में बीट रूट कहते हैं। अगला वेजिटेबल है लौकी। लौकी को इंग्लिश में बॉटल गार्ड कहते हैं। अगला सब्जी है गाजर। गाजर को इंग्लिश में कैरेट कहते हैं। अगला है मूली। मूली को इंग्लिश में रेडिश कहते हैं। मूली की सब्जी को इंग्लिश में रेडिश कहते हैं। अगला है अजवायन। अजवायन को इंग्लिश में सिलरी कहते हैं। अगला सब्जी है खीरा। खीरा को इंग्लिश में ककंबर कहते हैं। अगला है अदरक। अदरक को इंग्लिश में जिंजर कहते हैं। वहीं लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। अगला सब्जी है मक्का। मक्का को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। अगला है फूलगोभी। फूलगोभी को इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं और करी पत्ता को इंग्लिश में करी लीफ कहते हैं। अगला है ग्रीन बीन्स। ग्रीन बीन्स का हिंदी मतलब होता है हरी सेम। हरी सेम को इंग्लिश में ग्रीन बीन्स कहते हैं। ओके, अगला सब्जी है चौलाई की सब्जी। चौलाई की सब्जी को इंग्लिश में एमरंथ कहते हैं। एमरंथ का हिंदी मतलब चौलाई की सब्जी होता है। ओके, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को इंग्लिश में कैप्सिकम कहते हैं। वही करौंदा। करौंदा के इंग्लिश में नेटल प्लम कहते हैं। वही बरबट्टी। बरबट्टी को इंग्लिश में काउपी कहते हैं। पत्ता गोभी को इंग्लिश में कैबेज कहते हैं और फूल गोभी को इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं। वहीं हरी गोभी को इंग्लिश में ब्रोकली कहते हैं। सरसों को इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं और सरसों पत्ता को इंग्लिश में मस्टर्ड ग्रीन्स कहते हैं। ठीक है, मेथी। मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं। मेथी पत्ता को इंग्लिश में फेनुग्रीक लीव्स कहते हैं। ठीक है, गवार फली को इंग्लिश में क्लस्टर बीन्स कहते हैं। कोई धनिया को इंग्लिश में कोरिएंडर कहते हैं और धनिया पत्ती को इंग्लिश में कोरिएंडर लीफ कहते हैं। ठीक है, अगला सब्जी है शकरकंद। शकरकंद को इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। शलगम। शलगम को इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। बथुआ को इंग्लिश में वाइट गूस फूड कहते हैं। चिचिंडा नामक सब्जी को स्नैक गार्ड कहते हैं। अगला है चना। चना को इंग्लिश में ग्राम कहते हैं। हरा सोया को इंग्लिश में फिनल कहते हैं। बोरिंगा की सब्जी को इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं। जिमीकंद को इंग्लिश में एलिफेंट फूट यम कहते हैं। ठीक है, अगला है आंवला। आंवला को इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी कहते हैं। वहीं सिंघाड़ा को इंग्लिश में इंडियन वाटर चेस्ट नट्स का हिंदी मतलब सिंघाड़ा होता है। ठीक है, वहीं कुंदरू की सब्जी को इंग्लिश में टेंडली कहते हैं या ईवी गार्ड कहते हैं। ठीक है,